देखिए, हम मीडिया हैं और हमारा काम है जो कमजोर है उसके साथ खड़ा होना। अम्फन में जो हुआ था, हाँ ये मेरा घर है, ठीक हाँ, है। अच्छा, ये आपका घर है? सब टूटा था। ये सब टूटा था, अम्फान यहाँ हाँ, तक आया था? हाँ, हाँ, अच्छा, ये सब टूटा है। हाँ, तो आपको किसी पार्टी ने मदद की या कोई मदद नहीं की? दादा ने तिरपुल एक ठो हमको दिया था। अच्छा, दादा ने आपकी मदद की? शुभेंदु जी ने? हाँ, यही तिरपुल। अच्छा, ये त्रिपाल दिया, बस यही? बस यही है, और कुछ नहीं मदद हुई? नहीं, और कोई नहीं। एक तिरपुल दिया वो, पर हाथ से मैंने पैसा देके अच्छा खर्चे लेके आया। क्यों, वो भी छीन लिया? दादा ने भेजा इधर, मेरा घर उधर है। वो एक आदमी मेरा हाथ में तिरपुल दे दिया और एक आदमी बोले दे दो। सियासी पारा पूरे उफान पर पहुंच गया है। नहीं तो एक बात बताइए, दादा तो पहले ममता दीदी की पार्टी में थे ना, अब वो भाजपा में चले गए, तो उस टाइम आपको दादा अच्छे लगते थे? उस टाइम भी अच्छे लगते थे। अच्छा, आपको पार्टी से ज्यादा दादा पसंद है? दादा जिस भी पार्टी में हो उन्हीं को वोट जाएगा क्या? दादा है ये बीजेपी की सफलता है कि जो लोग पहले मंदिर जाने में शर्म महसूस करते थे, अब वो लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। मंदिर, हिंदू मंदिर। बीजेपी ने ममता बनर्जी की हिंदू विरोधी छवि को पेश किया है। खतरा भांपते ही ममता बनर्जी मंदिर मंदिर घूमने लगी। आज मंदिर, कल 6 से 7 मंदिर, नामांकन से पहले मंदिर, नामांकन के बाद मंदिर, मंदिर मंदिर ममता, मंदिर मंदिर ममता, शायद काम बनता। मेरा तो यही, देखो यही एंडेवर है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि रूरल इंडिया, रूरल वेस्ट बंगाल का जीवन दिखाया जाए। अभी यहाँ पे इलेक्शन है, इसलिए इस साइड में यहाँ की लाइफ दिखाई जाए, आप लोग देखें। इसी से समझ आता है कि ये जो हम जो नागरिक हैं भारत के, कितने डाइवर्स हैं, कितनी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है। ये है नंदीग्राम, यहाँ है दीदी वर्सेस दादा की लड़ाई। नंदीग्राम का संग्राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन जीतेगा नंदीग्राम? अब ये राम वर्सेस दुर्गा डिबेट हो गया, दुर्गा वर्सेस राम, क्या ये धर्मयुद्ध बन गया है? बीजेपी टीएमसी की तो लड़ाई होती है, फिर हम बहुत सुनते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी लड़ाई हो गई है, कि फैमिली में लड़ाई हो गई है, या कहीं पे दंगा हो गया है, या कहीं पे नारे लग गए हैं, तो इस बारे में आप सुनती हैं? लेकिन अब बीजेपी के नेता वोटर्स को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मुसलमान वोटों के चक्कर में ममता बनर्जी ने दुर्गा विसर्जन में बाधा डाली थी, हनुमान जयंती नहीं मनाने दी थी, इसलिए अब उनके हिंदुत्व पर भरोसा कैसे किया जाए? हाँ, ये बहुत सुनते हैं हम। और आपको सुनते हैं तो आपको कैसा? मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा। सब इंसान एक ही जैसे होते हैं, सबके अंदर खून सबका एक ही होता है। ये किसने बोला आपको खून सबका एक? मतलब कलर तो सबका रेड ही होता है ना सर। मैंने तो लाल रंग का सूट पहना हुआ और लाल तो लेफ्ट का कलर होता है। पर ये सब जो हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा होता है ना, ये सब ज्यादातर हम लोगों को स्कूल में बहुत सहना पड़ता है, स्पेशली मुस्लिम्स को। उनके घरों में क्या होता है, हलाला और 3 तलाक के नाम पर, ये सब लोग जानते हैं। मेरे सामने अगर बोलोगे कि इसका टिफिन मत खाओ, ये मुस्लिम है, इसकी मम्मी ऐसी बनाती है, तो अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता किसी को भी। टिफिन में क्या हमको पसंद है, खाने में क्या, मतलब कुछ भी मैं ले जाऊँ तो वो लोग बोलते हैं कि ये मुस्लिम है, इसका खाना मत खाओ, मेरा खाओ। मैं ही, लेकिन हम लोग खाना सेम ले जाते हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। तो आपकी बेस्ट फ्रेंड तो पायल है, क्या नाम था? साक्षी। साक्षी तो वो भी सुनती है ये सब? हाँ, वो सुनती है, वो कहती है कि ऐसा नहीं है सर, मतलब उसका भी सेम टू सेम मेरे जैसा ही है, हम लोग का राय एकदम एक है। ये कौन सी मानसिकता है, जिहादी है, आतंकी है, कट्टरपंथी है, या ये गजवा हिंद वाली मानसिकता है? बताइए, जब लोग वोट डालते हैं, आप लोग जो हैं क्या सोच के वोट डालते हैं? सिर्फ क्या जो लीडर है उसका चेहरा देखते हो, या फिर सिर्फ पार्टी या उसका काम, क्या देखते हो? हाँ बोलो बोलो बोलो, बताइए। सस्पेंस और टॉलरेट नहीं कर पा रहे हम लोग, गरीब आदमी है हम लोग, ठीक है ना। हम लोग चाहता है जो काम होगा वही बात हम लोग चाहता है। नल भी इधर नहीं है पानी पीने के लिए? नहीं है, नहीं नहीं है। घर के अंदर टॉयलेट वगैरह है या नहीं? नहीं, टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं वहाँ? अरे तो हमारे तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि इंडिया में हर घर में टॉयलेट है। अब चलो, किसका घर में टॉयलेट है देख के चलो। आप क्या, इमरान खान देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं अभी तक के इतिहास में। ये एक सेकंड, ये जो सिलेंडर है ये सब्सिडी वाला है या आपको खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। तो आपको सिलेंडर लगभग कितने का पड़ता है? 770 रुपए लिया। 700-800। अच्छा, 800 रुपए का सिलेंडर पड़ रहा है। इसके पीछे जिनपिंग की साजिश है, आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतना भोला ना बने है? नहीं समझ आया। 4 बच गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। अच्छा, खेला शुरू। गोदी मीडिया के तंत्र के बारे में आपको बता दिया था समय से पहले, कैसे करोड़ों दर्शकों को फर्जी मुद्दों से बेवकूफ बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। ये तो श्वेर
पूरे लोकतंत्र को आप उसकी नींव से कमजोर कर रहे हैं ना।